नमस्कार, वीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने कहा कि फडणवीस अक्सर रात को वेश बदलकर शिंदे से मिलने जाते थे, तो शिंदे ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पूर्व महाविकास आघाड़ी सरकार में राकांपा के गठबंधन के कारण दाऊद इब्राहिम, मुंबई दंगों आदि से संबंधित मुद्दों पर निर्णय नहीं लिए गए। वही बृहन मुंबई नगर निगम के आगामी चुनावों को देखकर साफ लगता है कि शिवसेना की लड़ाई जल्द से जल्द चुनाव आयोग तक पहुंच सकती है। तो उधर राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना के सांसद पार्टी लाइन से अलग हटकर एनडीए कैंडिडेट को वोट करते हैं, तो सांसदों के भी शिंदे गुट में जाने की संभावना बढ़ जाएगी। इसी बीच नासिक में एक मुस्लिम धर्मगुरु की हत्या कर दी गई। प्रदेश भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने उन्हें लेकर बड़ा खुलासा किया है। एकनाथ शिंदे गुट की बगावत और उद्धव सरकार पर आए संकट के बीच देवेंद्र फडणवीस किस तरह से चुपचाप सक्रिय थे, इस बारे में उन्होंने दुनिया को बताया है। अमृता ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस अक्सर रात को वेश बदल कर निकल जाते थे और कई बार तो ऐसी वेशभूषा में दिखते थे कि उन्हें मैं भी नहीं पहचान पाती थी। अमृता फडणवीस ने कहा कि देवेंद्र रात में कपड़े बदल कर एकनाथ शिंदे से मिलने जाते थे। वो अलग अलग कपड़े और आंखों पर बड़ा सा गॉगल पहनकर घर से बाहर निकल जाते थे। खुद सीएम एकनाथ शिंदे भी विधानसभा में अपने भाषण के दौरान कहा था कि सत्ता संघर्ष के दौरान जब सभी विधायक सो रहे होते थे तो वो देवेंद्र फडणवीस से मिलने जाते थे। हालांकि मेरे समर्थक विधायकों को भी नहीं पता था कि देवेंद्र फडणवीस और मैं कब मिलते थे। अब अमृता फडणवीस ने उससे भी आगे बढ़ते हुए अहम खुलासा किया है। उनकी इस टिप्पणी पर देवेंद्र फडणवीस ने सिर हिलाकर हामी भरी थी। अमृता फडणवीस ने कहा कि हम सभी ने एकनाथ शिंदे का भाषण सुना, इससे पता चलता है कि विधायकों के बीच कितनी अशांति थी। ऐसे में कहीं ना कहीं वह अशांति फैलाने वाली थी और उसका असर शिवसेना में बिखराव और उद्धव सरकार की विदाई के तौर पर दिखा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पूर्व महाविकास आघाड़ी सरकार में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के कारण दाऊद इब्राहिम, मुंबई दंगों आदि से संबंधित मुद्दों पर निर्णय नहीं लिए गए। इतने सारे विधायकों ने किसी छोटे कारण से नई सरकार बनाने के निर्णय नहीं लिया है। जब भी हिंदुत्व के मुद्दे सरकार के सामने आए, सरकार निर्णय नहीं ले पाई। शिंदे ने कहा कि शिवसेना और बीजेपी ने 2019 का विधानसभा चुनाव साथ साथ लड़ा, लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार बनी। इस वजह से जब भी हिंदुत्व के मुद्दे सामने आए, सावरकर से जुड़े मामले सामने आए, मुंबई विस्फोट का मुद्दा आया, दाऊद का मुद्दा सामने आया और अन्य ऐसे मुद्दे सामने आए, तो हम निर्णय लेने में असमर्थ थे। शिंदे ने एनसीपी नेता नवाब मलिक के 1993 में बम विस्फोट के मुख्य आरोपी गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के कथित संबंधों का जिक्र करते हुए ये कहा। शिंदे ने कहा कि शिवसेना के विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों में काम नहीं कर पा रहे थे। कांग्रेस और एनसीपी उन निर्वाचन क्षेत्रों में हारे हुए लोगों को मजबूत कर रही थी। जब हम चुनाव जीतते थे तो मतदाता उम्मीद करते थे कि पानी, सड़क और अन्य बुनियादी कार्यों सहित विकास कार्य होंगे। हमारे विधायक धन की कमी और अन्य समस्याओं के कारण ऐसा नहीं कर पाए। हमने अपने वरिष्ठों से कई बार बात की, लेकिन इन समस्याओं का हल नहीं किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य से हम इसमें सफल नहीं हो सके, इसलिए हमारे 40 से 50 विधायकों ने ये फैसला लिया। बृहन मुंबई नगर निगम के आगामी चुनाव को देखकर साफ लगता है कि शिवसेना की लड़ाई जल्द से जल्द चुनाव आयोग तक पहुंच सकती है। स्थानीय निकाय चुनाव भले ही राज्य चुनाव आयोग द्वारा प्रतिबंधित किए जाए, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा आवंटित प्रतीक चिन्ह का ही इससे इस्तेमाल होता है। इसलिए अब बीएमसी चुनाव शिवसेना के लिए एक साख वाली लड़ाई है। शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ओर से चुनाव आयोग को एक पत्र आया है, जिसमें उद्धव ठाकरे को पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने की पुष्टि की गई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव भी पारित किया है, जिसमें एकनाथ शिंदे गुट के इस तरह के किसी भी कदम को रोकने के लिए किसी भी समूह या व्यक्ति को बालासाहेब ठाकरे के नाम का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया है। शिवसेना के संविधान के अनुसार पार्टी प्रमुख की नियुक्ति प्रतिनिधि सभा द्वारा की जाती है, जिसमें सांसदों और विधायकों के अलावा जिला प्रमुख, नगर प्रमुख और अन्य पार्टी कार्यकर्ता सदस्य होते हैं। प्रतिनिधि सभा के 282 सदस्यों की मंजूरी के साथ उद्धव ठाकरे 2018 में पक्ष प्रमुख बने थे। मौजूदा हालात में उद्धव ठाकरे के खेमे को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। शिंदे गुट को अधिकांश विधायकों का समर्थन हासिल है, सांसदों में हटा या शामिल कर सकता है और निर्णय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 12 सदस्य है।
एक तरफ महाविकास आघाड़ी का सबसे बड़ा चेहरा शरद पवार राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार का प्रचार कर रहे हैं, वहीं शिवसेना के लोकसभा सांसद राहुल शेवाले ने पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे से आग्रह किया कि वे अपने सांसदों को राष्ट्रपति चुनाव के लिए सत्तारूढ़ राजग की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को उनकी आदिवासी जड़ों और सामाजिक क्षेत्र में योगदान को देखते हुए समर्थन देने का निर्देश दें। शेवाले ने बताया कि शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे ने 2007 के राष्ट्रपति चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार का समर्थन नहीं किया और इसके बजाय शीर्ष संवैधानिक पद के लिए महाराष्ट्र के मूल निवासी और कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की उम्मीदवार प्रतिभा पाटिल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इसी तरह शिवसेना ने 2012 में यूपीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया था। बता दें कि शिवसेना के लोकसभा में 18 और राज्यसभा में 3 सांसद हैं। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के बागी विधायकों के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने मुर्मू को समर्थन देते हुए कहा कि राज्य के विधायकों और सांसदों को एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए एकजुट होना चाहिए। भाजपा के साथ तल्ख रिश्तों के बीच उद्धव ठाकरे का द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने की संभावना कम ही है। ऐसे में शिवसेना के सांसद पार्टी लाइन से अलग हटकर एनडीए कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो सांसदों को भी शिंदे गुट में जाने की संभावना बढ़ जाएगी। नासिक में एक मुस्लिम धर्मगुरु की हत्या कर दी गई। हमलावरों ने उनके सिर में दनादन गोलियां उतार दी। पुलिस ने इस मामले में बताया है कि 4 अज्ञात आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह घटना नासिक जिले के येवला कस्बे की है। मृतक का नाम ख्वाजा सैयद चिश्ती और वो स्थानीय लोगों के बीच सूफी बाबा के नाम से मशहूर थे। ये भी बताया गया है कि 35 साल के सूफी बाबा अफगानिस्तान से ताल्लुक रखते थे। आरोपियों ने चिश्ती बाबा को येवला कस्बे में MIDC इलाके में स्थित एक खुले मैदान में गोली मारी है। पुलिस ने बताया कि हत्या की वजहों का पता नहीं चला है। हमलावर सूफी बाबा की हत्या करने के बाद उनकी SUV गाड़ी को लेकर मौके से भाग गए। हालांकि हमलावरों की एक SUV को जब्त कर लिया गया है। अभी हमलावर गिरफ्त से बाहर है। इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है और सभी एंगल से पड़ताल की जा रही है। येवला पुलिस थाने में ही हत्या का मामला दर्ज किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने ये भी बताया कि हमलावर ने सीधे उनके माथे में गोली मार दी, जिसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस पूरे मामले में नासिक के पुलिस अधीक्षक सचिन पाटिल ने बताया कि नासिक ग्रामीण पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जबकि 2 संदिग्धों की तलाश जारी है। यूपी के कानपुर में एक लड़की ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने माँ बाप का खून कर दिया। कत्ल के दौरान दोनों ने हैवानियत की हदें भी पार कर दी। तो राजद प्रमुख लालू यादव की सेहत को लेकर जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार उनकी तबीयत पहले से बेहतर है और वो चिंता से बाहर है। वहीं महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों के लिए एक और झटका लगा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर में 50 रुपए का इजाफा किया है। तो उधर उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों में हाहाकार मचा हुआ है। योगी सरकार सरकारी विभागों में कार्यरत 50 साल से अधिक उम्र वालों को जबरन रिटायर करने जा रही है। इसी बीच असम की हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए राज्य के 5 असमिया भाषी मुस्लिम समुदाय को स्वदेशी का दर्जा देने का फैसला किया है। देश भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी के कानपुर में एक लड़की ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने माँ बाप का खून कर दिया। कत्ल के दौरान दोनों ने हैवानियत की हदें पार कर दी। बेटी ने पहले माँ बाप के पैर दुपट्टे से बांधे, फिर उनके सर पर डंडे से वार किए। इसके बाद गला घोटकर जान मारने का प्रयास किया। सांसें चलती देख प्रेमी के साथ मिलकर धारदार हथियार से गला रेत दिया। जानकारी के अनुसार दाम्पत्नी ने इस बेटी को बचपन में गोद लिया था। बताया जा रहा है कि गोद ली हुई बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर पूरे परिवार को जान से मारने का प्लान बनाया था। भाई को जूस में जहर मिलाकर दिया था। जूस पीते ही उसका सिर चकराने लगा था, इसलिए पूरा जूस नहीं पी पाया, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। घटना बर्रा थाना क्षेत्र में EWS कॉलोनी में रहने वाले मुन्ना लाल उत्तम के साथ हुई है। वे फील्डगन फैक्ट्री के सुपरवाइजर के पद से रिटायर्ड थे। वे पत्नी राजदेवी, बेटा अनूप और बेटी कोमल के साथ रहते थे। मुन्ना लाल उत्तम ने बेटे अनूप की शादी 2017 में बिंदकी की रहने वाली सोनिका से की थी। अनूप की पत्नी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, इसलिए शादी के 4th दिन मायके चली गई थी। इसके बाद से लौटकर नहीं आई है। दोनों के बीच तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है, जिसका फायदा कोमल उठाना चाहती थी। इसलिए कोमल ने प्रेमी के साथ मिलकर प्लान बनाया था कि माता पिता और भाई को मारकर प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया जाएगा। हत्या का आरोप अनूप के साले सुरेंद्र और मयंक पर चढ़ा दिया जाएगा, लेकिन वे पकड़े गए।
राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव की सेहत को लेकर पटना के पारस हॉस्पिटल ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। पारस अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर तलत ने खुद मीडिया के सामने आकर लालू यादव की मौजूदा सेहत के बारे में बताया। डॉक्टर तलत ने बताया कि लालू जी की तबीयत पहले से बेहतर है, फिलहाल वह चिंता से बाहर है। क्रिएटिनिन लेवल और शुगर में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। दिल्ली ले जाने की बात पर डॉक्टर ने कहा कि यह परिवार का फैसला है, दिल्ली ले जाया जाता है तो तमाम तैयारियां पूरी की जाएगी। बता दें कि लालू यादव फिलहाल पटना के निजी अस्पताल के ICU में भर्ती है और उन्हें बुधवार यानी आज बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली ले जाने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके पुत्र तेजस्वी यादव को फोन कर लालू प्रसाद के स्वास्थ्य की जानकारी ली। RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सोमवार को पटना के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी पत्नी राबड़ी देवी के साथ आवंटित सरकारी आवास में रहते। लालू यादव घर में सीढ़ियों से गिर गए थे जिससे उनके दाहिने कंधे की हड्डी टूट गई थी। चारा घोटाला मामलों में जमानत पर रिहा लालू ने पिछले महीने झारखंड उच्च न्यायालय से गुर्दा प्रतिरोपण के लिए विदेश खासकर सिंगापुर जाने की इजाजत ली थी। महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों के लिए एक और झटका लगा है। ऑयल मार्केट कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर में 50 रुपए का इजाफा किया है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 14.2 किलो वाला सिलेंडर 1,053 रुपए का हो गया है। 5 किलो वाले छोटू सिलेंडर की कीमत में भी 18 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, लेकिन 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 8.50 रुपए की कमी की गई है। बढ़ी हुई कीमत आज से लागू हो गई है। इस बढ़ोतरी के बाद कोलकाता में 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 1,079 रुपए हो गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इसकी कीमत 1,052 रुपए पहुंच गई है। चेन्नई के उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलेंडर के लिए अब 1,068 रुपए चुकाने होंगे। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में इससे पहले 19 मई को बदलाव किया गया था। दूसरी ओर कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में एक बार फिर कटौती की गई है। इस महीने अब तक इसमें दूसरी बार कटौती की गई है। 1 जुलाई को इसकी कीमत में 198 रुपए की बड़ी कटौती की गई है। आज की कटौती के बाद दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,012.50 रुपए रह गई है। कोलकाता में अब यह 2,132 रुपए में मिलेगा। वहीं मुंबई में इसकी कीमत 1,972.50 रुपए और चेन्नई में 2,177.50 रुपए होगी। अक्टूबर 2021 से फरवरी 2022 के दौरान सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया था। 22 मार्च को इसमें 50 रुपए का इजाफा किया गया था। फिर 7 मई को इसकी कीमत में 50 रुपए का इजाफा हुआ था। 19 मई को इसकी कीमत में 4 रुपए का इजाफा किया गया था। उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों में हाहाकार मचा हुआ है। यूपी की योगी सरकार सरकारी विभागों में कार्यरत 50 साल से अधिक उम्र वालों को जबरन रिटायर करने जा रही है। ऐसे कर्मचारी जो भ्रष्टाचार, गंभीर बीमारी, काम न करने वाले और जांच में फंसे हैं, उनके अनिवार्य रिटायरमेंट पर 31 जुलाई तक फैसला करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसकी जानकारी 15 अगस्त तक मार्मिक विभाग को देनी होगी। बता दें कि यूपी में कर्मचारी 60 साल की उम्र पूरी होने पर रिटायर किए जाते हैं। पहले कुछ विभागों में 58 साल भी था। अब मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने विभाग अध्यक्षों को एक आदेश जारी किया, जिसके बाद राज्य कर्मचारी में हाहाकार मच गया है। दरअसल इस आदेश में कहा गया है कि स्क्रीनिंग कमेटी 31 मार्च 2022 को 50 साल की आयु पूरे करने वालों के नामों पर विचार करेगी। यह आयु पूरी करने वाले किसी सरकारी सेवक के मामले में स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्ताव रखकर यदि उसे सेवा में बनाए रखने का फैसला एक बार कर लिया जाता है तो बार बार स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष उसके नाम को पुनः रखने की जरूरत नहीं है। ऐसे कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की अवधि तक सेवा में बनाए रखा जाएगा। जानकारी मिली है कि यूपी ही नहीं दिल्ली सरकार में निष्क्रिय सरकारी कर्मचारी समय से पहले जबरन सेवानिवृत्त किए जाएंगे। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे अधिकारियों पर कार्रवाई के बाद उपराज्यपाल ने अब यह निर्देश दिया है। आसाम की हिम्मत बिस्वा शर्मा सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए राज्य के 5 असमिया भाषा मुस्लिम समुदायों को स्वदेशी का दर्जा देने का फैसला लिया है। इस कदम के बाद इन समुदायों की पहचान बंगाली भाषा मुसलमानों से अलग होगी। असम की कैबिनेट ने जिन 5 समुदायों को स्वदेशी का दर्जा देने का फैसला किया है उनमें वे गोरिया, मोरिया, देसी, जुला और सैयद शामिल है। दरअसल इन 5 मुस्लिम समुदायों के लोगों को स्वदेशी असमिया मुसलमानों के रूप में वर्गी
अधिकृत किया गया है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब हाल ही में मुख्यमंत्री हिम्मत बसवा शर्मा ने घोषणा की थी कि राज्य सरकार मुस्लिम समुदायों सहित राज्य में स्वदेशी अल्पसंख्यकों के अलग वर्गीकरण के लिए कदम उठाएगी। असम कैबिनेट के इन निर्णय से राज्य में लगभग 40 लाख असमिया भाषी मुसलमानों को मान्यता मिल जाएगी। कैबिनेट के इस निर्णय के बारे में बताते हुए कैबिनेट मंत्री केशव महंत ने कहा कि कैबिनेट ने इन 5 मुस्लिम समूहों के लिए एक नए नामकरण को मंजूरी दी है। वे अब से स्वदेशी असमिया मुसलमानों के रूप में जाने जाएंगे। इन्होंने इस कदम से स्वास्थ्य, सांस्कृतिक पहचान, शिक्षा, वित्तीय समावेशन, कौशल्य विकास, महिला सक्षमीकरण में उनका विकास सुनिश्चित होगा। साथ ही अन्य सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच सकेगा। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन की सरकार के लिए संकट बढ़ता जा रहा है। ब्रिटेन के 2 मंत्रियों ने कल इस्तीफा दे दिया तो नॉर्वे में इस्लाम विरोधी चरमपंथी समूह के एक नेता की कार एक्सीडेंट का वीडियो शेयर किया जा रहा है। वहीं ऐतिहासिक फैसले के तहत सऊदी किंग ने राजकुमारी हाइफा बिंत मोहम्मद को सऊदी अरब के पर्यटन उपमंत्री और शिहाना अल्जाज को मंत्रिपरिषद के उप महासचिव के रूप में नियुक्त किया है। तो उधर पाई पाई को मोहताज पाकिस्तान को धता बताते हुए पीओके सरकार ने 34 करोड़ रुपए खर्च करके 72 नई लग्जरी कारें खरीद डाली है। इसी बीच चीन ने पिछले महीने भारतीय पेशेवरों और उनके परिवारों के लिए वीजा प्रतिबंध हटा लिया है, लेकिन उसने भारत के लिए हवाई सेवाओं को फिर से शुरू करने का कोई संकेत नहीं दिया है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन की सरकार के लिए संकट बढ़ता जा रहा है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद ने कल इस्तीफा दे दिया। जावेद ने कहा कि उन्होंने घोटालों की एक सीरीज के बाद जॉनसन की देश हित में शासन करने की क्षमता पर विश्वास को खो दिया है। अब वो बेहतर विवेक के साथ काम नहीं कर सकते हैं। जावेद ने जॉनसन को लिखे एक पत्र में कहा कि ये कहते हुए मुझे खेद है कि आपके नेतृत्व में ये स्थिति नहीं बदलेगी और इसलिए आपने मेरा विश्वास खो दिया है। इसी क्रम में ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि कई सांसदों और जनता ने जॉनसन के देश हित में शासन करने की क्षमता पर विश्वास खो दिया है। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि हालांकि वो सरकार छोड़ने से दुखी है, लेकिन इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हम इस तरह से अपनी सेवाएं जारी नहीं रख सकते। जनता उम्मीद करती है कि सरकार सही ढंग से सक्षम और गंभीरता से संचालित रहेगी। मैं मानता हूं कि ये मेरा आखिरी मंत्री पद हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि ये मानक लड़ने लायक है और इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में एक बार फिर राजनीतिक संकट गहराता नजर आ रहा है। पार्टीगेट मामले की रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद से ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पर इस्तीफे को लेकर दबाव बढ़ने लगा है। जॉनसन सरकार के इन 2 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद सरकार के लिए और खतरा पैदा हो गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी इस्तीफा दे सकते हैं। नॉर्वे में इस्लाम विरोधी चरमपंथी समूह के नेता की कार एक्सीडेंट का वीडियो शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में एक कार इस्लाम विरोधी चरमपंथी समूह के नेता की कार के पीछा कर रहा है। चरमपंथी समूह का नेता अपने साथियों के साथ ओस्लो के बाहरी इलाके में इस्लाम की पवित्र किताब कुरान को जलाकर भाग रहा था। कुछ दूर चलकर दोनों कारें टकरा जाती है और SUV सड़क किनारे पलट जाती है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें से एक ड्राइवर है। इन दोनों लोगों के ऊपर कट्टरपंथी समूह स्टॉप द इस्लामाइजेशन ऑफ नॉर्वे के नेता लार्स थोरसन की SUV को जानबूझकर टक्कर मारने का आरोप है। हादसे के वक्त कार में सवार 5 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से एक को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। दरअसल कुछ इस्लाम विरोधी कार्यकर्ताओं ने पहले एक जलती हुई धार्मिक पुस्तक को चौराहे पर रख दिया। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और फिर एक महिला ने जलती हुई किताब को उठा लिया। इस पूरी घटना के बाद थोरसन अपने साथियों के साथ वहां से निकल गए। इस दौरान थोरसन अपनी कार में भी धार्मिक पुस्तक जलाता नजर आ रहा है। वीडियो में कुछ देर बाद एक मर्सिडीज थोरसन की SUV का पीछा करती दिखाई दे रही है और उसे टकरा कर पलटा देती है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि गाड़ी में धार्मिक पुस्तक को बुझाने वाली महिला भी शामिल थी। महिलाओं के अधिकारों को लेकर बेहद दकियानुसी विचार रखने वाले सऊदी अरब ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सरकार में 2 महिलाओं की नियुक्ति की है। किंग सलमान के जारी आदेश के मुताबिक मंत्रालयों में महिलाओं की जगह दी गई है। इसके साथ ही सऊदी सेंट्रल बैंक में प्रमुख पदों पर नए महिला अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। सऊदी किंग ने राजकुमारी हाइफा बिंत मोहम्मद को सऊदी अरब के पर्यटन उपमंत्री और शिहाना अल्जाज को मंत्रिपरिषद के उप महासचिव के रूप में नियुक्त किया है।
शिहाना अल्जाज पूर्व में सार्वजनिक निवेश कोष में सामान्य वकील का पद संभाल चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अल्जाज सऊदी अरब में वकालत का लाइसेंस प्राप्त करने वाली शुरुआती महिलाओं में से एक थी। अल्जाज 2017 में लीगल डिवीजन में लेन देन के प्रमुख के रूप में सार्वजनिक निवेश कोष में शामिल हुई। 2020 में उन्हें फोर्ब्स मिडिल इस द्वारा 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक के रूप में चुना गया था। प्रिंसेस हाइफा अल सऊद ने अमेरिका के न्यू हेवन विश्वविद्यालय में व्यवसाय प्रशासन का अध्ययन किया और लंदन बिजनेस स्कूल यूके से एमबीए पूरा किया। वह 2014 में शुरू किए गए गैर लाभकारी संगठन द एम्पावरमेंट हब के संस्थापक सदस्यों में से एक है, जो महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाता है। दरअसल सऊदी क्राउन प्रिंस अपने महत्वाकांक्षी विजन 2030 के तहत देश की रूढ़िवादी छवि को सुधार कर अधिक से अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करने की कोशिश में है। एक तरफ जहां पाकिस्तान अपना खर्च चलाने के लिए जूझ रहा है, वहीं पीओके के फर्जी हुक्मरान अपनी विलासिता से बाज नहीं आ रहे हैं। अभी हाल ही में पीओके सरकार ने 34 करोड़ रुपए खर्च करके 72 नई लग्जरी कारें खरीद डाली है। हालांकि इस फैसले पर स्थानीय लोग ही विरोध में उतर आ रहे हैं। दरअसल स्थानीय स्रोतों के आधार पर अपनी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पीओके सरकार ने ये सभी लग्जरी कारें राष्ट्रपति बैरिस्टर सुल्तान महमूद के लिए खरीदी है। यही सभी गाड़ियां उस समय खरीदी गई है जब पीओके सरकार के ही मंत्री लगातार शिकायत कर रहे हैं कि उनके बजट में पाकिस्तान सरकार ने कटौती कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने पीओके के विकास बजट में 2.5 अरब रुपए की कटौती की है। उधर सरकार के इस फैसले के विरोध में लोग अब स्थानीय सामाजिक संगठन प्रदर्शन पर उतर आए हैं। एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि ऐसे कठिन समय में इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस फैसले की वजह से पीओके की अर्थव्यवस्था और ज्यादा चरमरा सकती है। हालांकि जब इस बारे में पीओके राष्ट्रपति के प्रवक्ता से बात की गई तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि गाड़ियों का ऑर्डर तो पिछली सरकार ने किया था। सोशल मीडिया पर भी जब ये खबर सामने आई तो लोगों ने विरोध दर्ज करना शुरू कर दिया। एक यूजर मकसूद ने लिखा कि पाकिस्तान में लोगों के पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद तक सत्ताधारी विलासिता का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते बैन के बाद चीन ने फिर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दे दी है। पिछले 2 साल से चीन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। हालांकि चीन ने पिछले महीने भारतीय पेशेवरों और उनके परिवारों के लिए वीजा प्रतिबंध हटा दिया है, लेकिन उसने भारत के लिए हवाई सेवाओं को फिर से शुरू करने का कोई संकेत नहीं दिया है। खबरों में कहा गया है कि चीन ने दूसरे देशों से आने वाले लोगों के लिए निर्धारित होटलों में पृथकवास की अवधि को घटाकर 7 दिन कर दिया है। साथ ही वो इस प्रक्रिया को और सुसंगत करने का प्रयास कर रहा है। चीन के सरकारी अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले से चीन को जोड़ने वाली उड़ानों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। विशेष रूप से अमेरिका को जोड़ने वाली उड़ानों की संख्या काफी बढ़ गई है। इसके अलावा चीन से दूसरे देश जाने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सप्ताह की शुरुआत में 2025 यात्री उड़ानें फिर से शुरू होने वाली है। हालांकि नवंबर 2020 से चीन और भारत के बीच कोई नियमित उड़ान नहीं है और दोनों देशों के बीच अभी तक कोई उड़ान अधिसूचित नहीं हुई है। चीन ने पिछले महीने विभिन्न चीनी शहरों में काम करने वाले ऐसे भारतीयों जो 2 साल से भारत में ही फंसे हुए हैं उनके लिए 2 साल के वीजा प्रतिबंध को हटा दिया है, लेकिन इन पेशेवरों के लिए चीन जाना काफी मुश्किल है क्योंकि अभी दोनों देशों के बीच किसी उड़ान का परिचालन नहीं हो रहा है। तो बीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज। नमस्कार।